वर्ल्ड एस्थमा डे के दिन पे मैं आज आप लोगों को एस्थमा के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं इस बारे में जो मिसकंसेप्शंस हैं जिससे लोग डर के अपना इलाज टाइम से नहीं कराते हैं उसके बारे में बात करना चाहूंगा। एस्थमा एक लाइलाज बीमारी नहीं है, उससे हमें डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ये एक सिंपल सा एलर्जी का फॉर्म है जिसमें सांस के रास्ते की एलर्जी के कारण सांस के रास्ते में कंजेशन हो जाता है, जिससे खांसी, बलगम फंसना और सांस में दिक्कत आने के सिम्टम्स देखे जाते हैं। लोग एस्थमा के नाम से डर के इलाज कराने तक नहीं आते और घबरा के घर बैठे रहते हैं। इससे जो उसके ट्रीटमेंट में एक बहुत बड़ा गैप आ जाता है। अगर ये ट्रीटमेंट टाइम से शुरू हो जाए तो एस्थमा को हम पूरी तरह कंट्रोल कर सकते हैं, जो लोग भूल जाते हैं। इसलिए टाइम से सांस के डॉक्टर को दिखा के इसका इलाज शुरू करा के बहुत हल्की दवाइयों पे इसको कंट्रोल करा जा सकता है। अगर यही चीज़ हम डिले करते रहेंगे, ट्रीटमेंट को हम अपना डिले करते रहेंगे, नहीं हमें एस्थमा नहीं है, ये सांस की दिक्कत कुछ तंग नहीं कर रही हमें, तो जो चेंजेस अंदर जो फेफड़े में होते हैं शुरू में जो रिवर्सिबल होते हैं, मतलब कि जो बिल्कुल नॉर्मल हो सकते हैं, वो इरिवर्सिबल हो जाते हैं कि दवाइयाँ भी काम करना बंद कर देती हैं। उस स्टेज में दवाइयों के अलावा बार बार अस्पताल में भर्ती होना, इंजेक्शनों की ज़रूरत होना, ये सब आ जाती है, तो ये हमें अवॉइड करना चाहिए। इसलिए टाइम से इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। दूसरा चीज़ मैं जो हाईलाइट करना चाहूँगा इन्हेलर्स के बारे में। एस्थमा के ट्रीटमेंट में इन्हेलर्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। इन्हेलर्स इसलिए फ़ायदेमंद हैं, उसमें जो दवाई दी जाती है वो नॉर्मल गोलियों के मुकाबले बहुत कम डोज में दी जाती है, जिससे उसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। दूसरा, इन्हेलर से जो दवाई है डायरेक्ट सांस के रास्ते में जाती है, जिससे असर बहुत जल्दी आता है और पूरी तरह आता है। पर लोगों के दिमाग में ये गलत धारणा है कि इन्हेलर से उनकी आदत बन जाएगी और बीमारी बिगड़ जाएगी। तो आज इस एस्थमा डे पे मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इन्हेलर्स सबसे सेफ मीडियम है अपनी बीमारी को कंट्रोल करने का, और इससे बीमारी बहुत अच्छा कंट्रोल होती है। और इसलिए टाइमली अपने फिजिशियन, अपने चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलिए, जो आपका इलाज पूरी तरह और बिल्कुल सही से कर पाएगा। शुक्रिया।